हम कर रहे हैं हिंदी का पार्ट दो, भालू ने खेली फुटबॉल। एक छोटी कहानी है, इसमें एक भालू है और भालू फुटबॉल खेलता है। तो अभी ये कैसे फुटबॉल खेलता है हम ये कहानी पढ़ने के बाद देखते हैं। ठीक है, देखो, सर्दियों का मौसम था और सुबह का वक्त था। अब सर्दी का मौसम जब हम स्वेटर पहनते हैं ना, और सुबह का वक्त यानी जब सूरज निकलता है, सनराइज होता है, चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। ठीक है, अब सर्दियों में कोहरा होता है ना बाहर मॉर्निंग के टाइम पर। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। देखो, सर्दी के मौसम में सर्दी लगती है, तो ये शेर का बच्चा जो है ना, सर्दी से बचने के लिए गोल मटोल होकर के फुटबॉल की तरह बन जाता है, और ये जामुन का पेड़ है, इसके नीचे ये लेट जाता है, मतलब फुटबॉल की तरह बन करके फ्री लेटा रहता है। अब देखो, तभी क्या होता है, इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। अब देखो, ये भालू है, ये सुबह सुबह सैर पर निकला है, सैर मतलब मॉर्निंग वॉक। अब ये पछता रहा है, अरे मैं क्यों निकल आया, क्योंकि इसको सर्दी लग रही है। ठीक है, तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब ये सैर कर रहा है, तभी इसकी नज़र ये जामुन का पेड़ के नीचे जो शेर का बच्चा गोल मटोल होकर लेटा हुआ है ना, इस पर पड़ जाती है। अब देखो, ये भालू क्या करेगा, ये शेर का बच्चा फुटबॉल की तरह है। अब देखो, आंखें फैलाई अक्ल दौड़ाई आ फुटबॉल। अब ये भालू क्या करता है, आंखें फैलाई। अब सर्दी है तो इसको भी आलस आ रहा है, अरे सर्दी बहुत है, तभी अचानक दिखता, अरे ये फुटबॉल है। आंखें फैलाई अक्ल दौड़ाई, ये देखता, अरे ये तो फुटबॉल है। सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अब इसको सर्दी लग रही है, तो फुटबॉल देखकर भालू सोचता है कि अरे चलो मैं थोड़ी देर फुटबॉल खेल लेता हूँ, तो खेल से मुझे गर्मी आ जाएगी। जब हम खेल खेलते हैं तो हमको गर्मी लगने लगती है ना, तो यही भालू ने सोचा। देखो, ये भालू है, ये जो शेर का बच्चा फुटबॉल बन के यहाँ लेटा था, इसने इसको किक कर दिया, यानी पैर मार दिया, तो ये उछल गया। अब उछल कर ये क्या करेगा, देखो, आप देखा ना ताप, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। अब देखो, इसने इसको फुटबॉल समझा और पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब ये शेर का बच्चा जो गोल मटोल होकर के लेटा हुआ था, इसको इसने किक किया तो ये उछल गया, पेड़ के पास गया। अब ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत ही घबरा गया, उसने फटाफट पेड़ की डाल को पकड़ लिया, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। अब देखो, इसने उछाल तो दिया, ठीक है, जैसे ही इसको उछाला तो ये दहाड़ लगाई इसने, तभी भालू समझ गया कि अरे ये तो शेर का बच्चा है। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। देखो, भालू ने ये कितनी समझदारी दिखाई ना, इसने किक तो कर दिया लेकिन इसकी दहाड़ से ये समझ गया कि अरे ये तो कोई छोटा बच्चा है, तो इसने जल्दी से दौड़ करके उसको गिरने से बचा लिया। देखो, ये आ गया शेर का बच्चा भालू की गोद में। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब देखो, भालू ने इसको एक बार पैर से उछाल दिया तो ये पेड़ से लटक गया, फिर डाली टूट गई तो इसने इसको लपक लिया। अब जो शेर का बच्चा है वो उसको दोबारा से बोल रहा है कि अरे मुझे फिर से उछालो, उसको उछलने में बहुत मज़ा आया। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, ठीक है, फिर इसने उछाल दिया। अब 2 बार उछाला, 3 बार उछाया, फिर उछाला। अब शेर के बच्चे को तो उछलने में मजा आ रहा था, बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ठीक है, देखो, शेर का बच्चा तो बार बार बोल रहा था कि मुझे बार बार उछालो और पकड़ो, ठीक है, लेकिन ये जो शेर, ये भालू है ना, ये थक गया, इसकी कमर दुख गई, दिख रहा है ना ऐसा। ठीक है, अब देखो क्या है, ओह, किस आफत में फंस गया। अब ये भालू बोल रहा है, अरे मैं किस आफत में फंस गई, ये शेर का बच्चा तो मुझे बार बार बोल रहा है। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गए। अब देखो, 11 बार तो भालू ने उसको उछाल दिया और पकड़ लिया, जैसे ही 12वीं बार उसने उछाला तो उछालते ही वह भालू घर की ओर दौड़ लगाई और जल्दी से गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट
टूट गए। अब देखो 12वीं बार शेर के बच्चे को उछालने के बाद भालू तो दौड़ लगा के भाग गया। अब जब वो पकड़ने के लिए नहीं आएगा तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाली भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। देखो ये गिर गया नीचे, डाली टूट गई, ठीक है। तब क्या हुआ, माली होता है जो बगीचे की देखभाल करता है, तो शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, यानी वो उसको डांटने लगा। डाली तोड़ दी, लाओ हर जाना। माली बोलता है तुमने जामुन के पेड़ की डाल तोड़ दी, मुझे हर जाना दो। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूँ। अब देखो जब ये नीचे गिर गया है तो उसको चोट भी लगेगी, तो ये बोलता है कि मैं हर जाना दे दूँगा लेकिन जरा मैं ठीक तो हो जाऊँ। माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। तब माली बोलता है ठीक है जब तक तुम ठीक हो तो तब तक मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। अब जैसे ही माली ने बोला कि ठीक है मैं अभी आता हूँ, तो तभी फटाफट शेर का बच्चा भी वहाँ से 9 2 11 हो गया। 9 2 11 एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है भाग जाना। तो मतलब शेर का बच्चा भी वहाँ से भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। अब देखो शेर का बच्चा माली से बचकर भाग गया, तब ये बोलता है जान बची तो लाखों पाओ, मतलब कि मुसीबत से बच निकलना, ये भी एक मुहावरा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मुसीबत से बच निकलना। तो ये जो शेर का बच्चा था वो मुसीबत से बच के निकल गया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ी ताकि वह जमीन पर ना गिर जाए। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब पछताए क्योंकि भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया था। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में फंस गया? भालू ने कहा आफत में आ फंसा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था जिससे वह बुरी तरह थक गया था। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, यहाँ हमारी जो कविता है उसकी ये लाइन है, पर ये लाइन को आगे पीछे कर दिया है तो हमें इनको क्रम में लिख देना है। देखो क्या है, ये भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ये बहुत बाद में हुआ था। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ी, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब सैर को निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो देखो इसमें से भालू साहब सैर पर निकले, इसे हम नंबर 1 लिख देंगे। फिर क्या है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। देखो सबसे पहले भालू सैर पर निकला था घूमने के लिए सर्दी में, फिर उसने शेर के बच्चे को फुटबॉल की तरह पेड़ के नीचे देखा था, फिर उसने समझा ये फुटबॉल तो उसने उछाल दिया, तो हम इसको लिख देंगे नंबर 2। अब क्या हुआ था, फिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, जब उछाल दिया तो दहाड़ लगाई और हड़बड़ी में उसने डाल पकड़ ली, तो नंबर 3 हो जाएगा। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, ये हो गया 4। और फिर क्या था, देखो भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, जब वह बार बार उसको फुटबॉल के तले खेल खेल कर थक गया था, तब उसने 12वीं बार उसको फुटबॉल की तरह उछाला था और वो बिना लपके ही वहाँ से जल्दी से भाग गया था। तो ये हमारा सबसे आखिरी हो गया 5वां। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? तो वो गिर जाता, ठीक है। भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वह जमीन पर गिर जाता जिससे उसे चोट लग जाती। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो क्या होता? शेर का बच्चा 9 2 11 नहीं होता तो माली उससे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी बोलकर दिखाओ, या अपने दोस्तों में करके दिखाओगे शेर कैसे दहाड़ता है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ, देखो लपकना कैसे लपकते हैं, कंघी करना, दबे पांव चलना, धीरे धीरे बिना आवाज़ की चलते हैं उसको बोलते हैं दबे पांव चलना, फेंकना जैसे हम फुटबॉल फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं या कोई सामान फेंकते हैं, मोजा पहनना, आप स्कूल जाते हो तो शूज़ के पहले मोजा पहनते हो ना, सॉक्स को मोजा बोलते हैं,
धुले कपड़े निचोड़ना, तो ये काम आप करके देखेंगे। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा, देखो इसमें क्या है, पूरी कहानी आ जाएगी। तो हम छोटे छोटे से में हम इसको लिख के देख लेते हैं, यह आंसर काफ़ी लंबा हो जाएगा पर मैं बता देती हूँ। शेर के बच्चे ने अपने माता पिता से कहा होगा कि जब मैं पेड़ के नीचे सो रहा था तो भालू ने फुटबॉल समझकर उछाल दिया, तब मैंने पेड़ की डाली पकड़ ली तो डाली टूट गई पर मैं ज़मीन पर गिरता, इससे पहले भालू ने मुझे लपक लिया, इसमें मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने भालू को फिर से उछालने व लपकने के लिए बोला, भालू ने बहुत देर ऐसा ही किया पर वह थक गए तो वह मुझे उछालकर भाग गए और मैं गिर गया व पेड़ की डाल भी टूट गई। यह देखकर माली आया और डाली टूटने का हरजाना, डाली टूटने का, यहाँ ये मैंने दो बार लिख दिया है, इसको एक बार कर देंगे, डाली टूटने का ये, हाँ, डाली टूटने का हरजाना मांगने लगा। तब मैंने बोला मैं जरा ठीक तो हो जाऊँ, तब माली थोड़ी देर में आता हूँ बोलकर चला गया और मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ठीक है, ये बहुत छोटा करने की कोशिश की है मैंने पर आंसर बहुत लंबा हो गया है। खेल खेल में देखो, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे, देखो फुटबॉल में फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब होता है गेंद, तो इससे हम क्या समझते हैं, अर्थात पैर से रोकने वाली गेंद, इसीलिए इसे फुटबॉल कहते होंगे। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल यानी गेंद का इस्तेमाल होता है। गेंद से हम कौन कौन से गेम खेलते हैं, देखो पिट्ठू, पिट्ठू में गेंद यूज़ होती है, टेनिस, टेनिस में भी गेंद होती है, हॉकी, हॉकी में एक लकड़ी होती है और गेंद होती है, टेबल टेनिस में छोटी सी गेंद होती है। अब क्या है देखो, ये तुम्हारी समझ से, ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। ठीक है, देखो शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी गुफा में रह सकता था और वह झाड़ियों में छुपकर भी बैठ सकता था। अब क्या है देखो, ये उलट पुलट, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। ठीक है, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, हम इनको इधर और इधर कर सकते हैं, सर्दियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप और गर्मियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, ऐसे ही उलट पुलट करके ही शब्द बनाने हैं। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो, देखो शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, तो उछालने की जगह हम क्या ले सकते हैं, शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी, पकड़ का हमने उल्टा छोड़ कर दिया, पिट्ठू को सितोलिया कहते हैं। ठीक है, पिट्ठू को और कुछ भी हो सकते हैं, पिट्ठू को हम गेंद और ये इसमें पत्थर होते हैं, गेंद होता है, तो हम पिट्ठू को गेंद का गेम भी बोल सकते हैं। ठंड से बचना, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो, निशान लगाओ, दौड़ लगाती हो, ठंड से बचने के लिए दौड़ नहीं लगाते, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, हाँ हमने टिक लगा दिया, रजाई ओढ़ती हो, टिक लगा दिया, आग तापती हो, ये भी करते हैं हम, ठंडा पानी पीती हो, नहीं ठंडा पानी तो हम बहुत गर्मी में पीते हैं, सर्दी में नहीं पीते ना, सर्दी में तो हम और हल्का गुनगुना पानी पीते हैं, गर्म पानी में नहाती हो, हाँ टिक लगा दिया, गर्म गर्म चाय पीती हो, हाँ पर बच्चे चाय नहीं पीते, बच्चे दूध पीते हैं, ठीक है, पर बच्चे गर्म गर्म दूध पी लेते हैं ना, कभी कभी चाय भी पी लेते हैं सर्दियों में। तो इसी के साथ में हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है।